हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरुला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, यानी कैट्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स में हमने ये जाना था कैट्स की बड़ी भूमिका है, पर्टिकुलरली ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स अप्रोच में। पहले क्या होता था, ब्लैक बॉक्स अप्रोच चलती थी जिसमें एक आदमी ये मान के चलता था कि सॉफ्टवेयर जो भी हैंडल कर रहा है वो सही हैंडल कर रहा है, यानी कि जिस तरीके से कैलकुलेटर के अंदर क्या कैलकुलेट कर रहा है उससे उससे मतलब नहीं था, उसे ये मतलब था कि इनपुट जा रहा है आउटपुट आ रहा है ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमने ये जाना कि समय चेंज हुआ, चीज़ें और ऑटोमेट होती चली गई, मैसिव ऑटोमेशन हो गया और मैसिव ऑटोमेशन होता चला जा रहा है, ऑटोमेशन का लेवल बढ़ता चले जाता है। तो अब हम जो है ब्लैक बॉक्स की जगह वाइट बॉक्स अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं। वाइट बॉक्स अप्रोच स्टार्ट करने के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर घुसना पड़ेगा, और कैसे घुसेंगे, लॉजिकली घुसेंगे, फिजिकली कंप्यूटर के अंदर नहीं घुसा जा सकता। और उसके लिए क्योंकि हमें लॉजिकली कंप्यूटर के अंदर घुसना है तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगे, यानी कैट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब कैट्स क्या होंगे, सॉफ्टवेयर ही होंगे बेसिकली। सॉफ्टवेयर से हम कंप्यूटर के अंदर लॉजिकली घुसेंगे और ऑडिट करेंगे, हर स्टेज का ऑडिट करेंगे। अब कैट्स के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो हमारी स्टडी के कुछ टॉपिक कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के बारे में बचे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कैट्स इफेक्टिव यूसेज मेथोडोलॉजी, यानी कि इफेक्टिव यूसेज मेथोडोलॉजी क्या होगी। ऑब्वियसली इफेक्टिव कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में जो अगर हम उसे ब्रीफली बताएं, वैसे हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं पिछले सेशंस में। सबसे पहले आपको वॉक थ्रू करना पड़ेगा सिस्टम के थ्रू, मतलब सिस्टम के चारों तरफ सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम को एरिया ऑफ वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और फिर कंप्लायंस टेस्ट करने पड़ेंगे। कंप्लायंस टेस्ट से आपको जो कंट्रोल्स हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगर कंट्रोल्स मजबूत हैं तो सब्सटेंटिव टेस्ट आप कम करोगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम अप्लाई करोगे। अगर कंट्रोल्स कमज़ोर हैं तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर इनडेप्थ चेकिंग करोगे, आप ज़्यादा चेकिंग करोगे। इसके अलावा हमारी स्टडी गाइडलाइंस देती है कि कौन से डिसीजंस हैं या कौन से फैक्टर्स हैं, डिसीजन फैक्टर्स हैं जो कैट्स के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो जब आप प्लान करोगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, तो आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनुअल टेक्निक्स यूज होंगी, कैट्स यूज़ होगी। तो अगर मान लिया सपोज वहाँ मैनुअल सिस्टम्स हैं तो मैनुअल टेक्निक्स भी यूज़ होंगी। अगर हाइब्रिड हैं, अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हाइब्रिड्स हैं, तो हाइब्रिड्स हैं तो वहाँ पर कैट भी यूज़ होगा। तो कितना कैट यूज़ करना है, कितना मैनुअल टेक्निक्स यूज़ करना है आपको देखना पड़ेगा। तो लॉजिकली आपको सिस्टम के अंदर देखना पड़ेगा, जितना अगर मटेरियल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स के थ्रू हो रही है, और आजकल ईआरपी कंप्यूटर्स बान आपका पीपल सॉफ्ट इनसे ही होती है या फिर टेली यूज़ होता है। तो कंप्यूटर नॉलेज एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर में, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद सूटेबल कैट होना चाहिए और आईएएस फैसिलिटीज़ जो आप हो रहे हैं मैं आप उनको ऑब्जर्व करोगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटीज़ को। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स इफेक्टिव और एफिशिएंट हैं। इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, गोल को रीच आउट करें ये बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैनुअल टेक्निक्स वहीं रिप्लेस करती हैं, कंप्यूटर मैनुअल को वहाँ रिप्लेस करता है जहाँ पर वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, एक लेवल पर वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, तो वहाँ पर ह्यूमन के साथ वो टेक्नोलॉजी लड़ने लगती है, फिर ह्यूमन बीइंग उसको उसमें गलतियाँ निकालने की शुरू करता है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और पावरफुल होती चली जाती है और चीप होती चली जाती है, और फिर एक टाइम पर उसे उसे यूज़ करना ही पड़ता है। तो टाइम कंस्ट्रेंट्स आप देखोगे, इंटेग्रिटी देखोगे इंफॉर्मेशन सिस्टम और आईटी इन्वायरमेंट की, क्या लेवल ऑफ इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है, फिर लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क देखोगे, इसी के अनुसार आप ये डिटरमाइन करोगे कि मैनुअल टेक्निक्स कितनी यूज़ करनी है और कैट्स का यूज़ कितना करना है। उसके बाद हमारी स्टडी ने कुछ स्टेप्स दिए हैं इफेक्टिव यूज़ ऑफ कैट्स के बारे में दिया है। उन्होंने ये बोला है कि एविडेंस हमें ज़रूरत होती है ओपिनियन देने के लिए, तो जब भी हम ऑडिट कंक्लूजन देंगे और रिकमेंडेशन देंगे तो एविडेंस की ज़रूरत होगी। ऑडिट कंक्लूजन अगर गलत एविडेंस में बेस्ड है तो हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, एज अ इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एविडेंस हमारा सही होना चाहिए। एविडेंस अगर हमारा सही नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो अगर हम कोई सबसे पहले क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स
बनाने पड़ेंगे कैट्स के लिए। उसके बाद क्या है कि एसेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी है कि नहीं है, मतलब आपको बाहर का सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए देते हैं कि नहीं देते हैं। वैसे देना चाहिए लेकिन देते हैं कि नहीं देते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। कौन से प्रोसीजर्स आपको अंडरटेक करने हैं, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, रिकैलकुलेशन है, कन्फर्मेशन है, आउटपुट रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी, उसके बाद रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी और ऑब्जेक्टिव्स देखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कैट्स का कि आप कैट्स यूज़ कर रहे हो और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। हाई लेवल फ्लो चार्ट्स देखने पड़ेंगे, रन इंस्ट्रक्शंस देखने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और जो कंपनी है जो जिसका ऑडिट कर रहे हो उसका एक्सेस आपको होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो कुछ परफॉर्मेंस स्टेप्स आपको एडहर करने पड़ेंगे। वो परफॉर्मेंस स्टेप्स क्या हैं, पहले आपको रीड एक्सेस लेनी पड़ेगी। रीड ही एक्सेस लेंगे, राइट और दूसरी एक्सेसेस आप नहीं लोगे, इसलिए नहीं लोगे आप ऑडिटर हो, कोई कहीं कुछ चेंज हो जाएगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी, रीड एक्सेस लोगे आप केवल। उसके बाद आप परफॉर्म करोगे कैट्स का, उसके बाद यूज़ करोगे कैट्स में जो आप एक्सेस होगी वो रीड एक्सेस होगी, रिकंसिलेशन उसके बाद परफॉर्म करोगे, आउटपुट देखोगे रीजनेबल है कि नहीं ये देखोगे, लॉजिक पैरामीटर्स को कंफर्म करोगे, लॉजिक्स को कंफर्म करोगे, पैरामीटर्स को कंफर्म करोगे, डेटा की करेक्टरिस्टिक्स को कंफर्म करोगे और फाइनली आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कैट्स का यूज़ करने से पहले। कैट्स बहुत इफ़ेक्टिव है, कैट्स के बिना काम नहीं चल सकता अगर आप वाइट बॉक्स अप्रोच लगा रहे हो तो। सिस्टम्स ऑटोमेट होते जाएंगे तो कैट्स का और ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। कैट्स एक पावरफुल टूल है और उसके सॉफ्टवेयर्स डे बाई डे पावरफुल होते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको कैट्स की इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी उसको सेलेक्ट करने से पहले। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा और इंटेग्रिटी ऑफ डेटा मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही, सिस्टम की इंटेग्रिटी, सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो रही कि नहीं हो रही, जो कैट्स यूज़ कर रहे हैं वो कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी को वायलेट ना करें, इंटेग्रिटी को वायलेट नहीं करें, ये आपको देखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको स्टाफ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, हायर मैनेजमेंट या आईटी स्टाफ या जो भी आईएएस स्टाफ है उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा हम कैट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारी स्टडी ये बताती है कि स्प्रेडशीट शीट्स के बारे में बताती है, वो कहती है कि जो स्प्रेडशीट है वो भी ऑडिट टूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है और वो यूज़ होता है। तो स्प्रेडशीट्स जो हैं आपकी एक्सेल वाली स्प्रेडशीट्स हैं, ये भी एक कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक कह सकते हैं आप, इसको भी वन टाइप ऑफ कैट्स कह सकते हैं। असल में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज्ड कैट्स है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में क्या होता है कि ऑडिटर आता है, ऑडिटर क्या करता है जनरली, वो ईआरपी है, ईआरपी से डंप निकलता है, यानी डेटा का डंप निकलता है, वो एक्सेल में आता है, एक्सेल में डाउनलोड होता है, फिर उसके बाद वो एक्सेल में देखने लगता है, उसको उसमें एक्सेल में टोटल वो उसको ऑडिट करने लगता है। तो बेसिकली स्प्रेडशीट्स को भी हम ऑडिट टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कैट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेडशीट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब आज की डेट में जो नॉर्मल ऑडिट होता है उसमें एक्सेल मैसिव यूज़ होता है। तो अगर हमें एग्जांपल देना हो कैट्स का तो ACL आइडिया है, उसके अलावा स्प्रेडशीट है, उसके अलावा SQL कमांड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स हैं, थर्ड पार्टी एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सिस्टम्स हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं, ये कैट्स के रूप में यूज़ की जाती हैं। इसके बाद हमारे स्टडी कहती है अदर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के बारे में कहती है और वो बताती है कि कैट्स SDLC के फेज़ में भी यूज़ किया जा सकता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेज़ में भी यूज़ किया जाता है। आप सिस्टम को डेवलप कर रहे हो तब भी कैट्स यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर, जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो उससे पहले फ्लो चार्ट्स बनाते हो, प्रोसेसिंग लॉजिक्स होता है और फ्लो चार्टर्स जो हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन में हमें हेल्प करते हैं। तो फ्लो चार्टर्स से आपको ये पता चल जाता है लॉजिक क्या है, लॉजिक का कंस्ट्रक्शन फ्लो चार्ट से होता है। तो प्रोग्रामर या जो कंप्यूटर प्रोग्राम अगर लिख रहा है तो उससे पहले क्या है, लॉजिक चार्ट्स कंस्ट्रक्ट होते हैं और फ्लो चार्ट जो है वो हमें इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ है टेस्ट डेटा या डेटा पैक्स।
ऐसा होता है कि अगर आप किसी सिस्टम को टेस्ट करना है और लॉजिकली उसके अंदर नहीं जा रहे हो, मालूम पड़ा आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप टेस्ट डेटा यूज़ कर सकते हो। आप टेस्ट डेटा में 85 कंडीशंस फिट कर सकते हो। तो वो टेस्ट डेटा में, टेस्ट डेटा दो चीज़ होती है, एक टेस्ट डेटा जनरेटर होता है, एक टेस्ट डेटा होता है, टेस्ट डेटा टेस्ट पैक्स कहते हैं उन्हें। टेस्ट पैक्स जो होते हैं वो एक छोटा सा सैंपल, डेटा का सैंपल होता है और उसमें हर तरीके का डेटा होता है, तो उसको डालते हैं और फिर देखते हैं इनपुट आया कि नहीं आया। अगर इनपुट सही आ रहा है तो ठीक है, इनपुट सही नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि थोड़ी सी कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और उसके बाद फिर आप एक स्मॉल बैच सिस्टम को प्रोसेस कर सकते हो और फिर उसके बाद देख सकते हो कि ये टेस्ट पैक जो है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टेस्ट पैक इस तरह से बनना चाहिए कि ऑपरेट एप्लीकेशन सिस्टम फेल हो जाए, अगर मान लिया उसमें कहीं भी कोई ग्लिच है तो उसको फेल होना चाहिए, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हर एक तरह के डेटा का, हर एक तरह की प्रोसेसिंग कंडीशंस का। आपका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर फेल हो जाए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फेल हो जाए। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके बावजूद भी नहीं फेल गया होता है तो इसका मतलब उसके अंदर जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स वगैरह लगे हुए हैं, बाउंड्री कंट्रोल्स वगैरह लगे हैं, वो स्ट्रांग है, जो प्रोसेसिंग है, लॉगरिथम है, वो स्ट्रांग है। अगर वो फेल हो जाता है फिर प्रॉब्लम। इसके अलावा टेस्ट डेटा जनरेटर होते हैं, टेस्ट डेटा या टेस्ट डेटा जनरेटर क्या करते हैं कि डेटा जनरेट करते हैं, उन्हें आप क्राइटेरिया दे देते हो और वो जनरेटर वो डेटा जनरेट करते हैं। तो जहाँ पर बहुत सारा डेटा चाहिए होता है टेस्टिंग के लिए, वहाँ पर टेस्ट डेटा जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो टेस्ट डेटा जनरेटर इन डेटा को जो है लेते हैं और इनकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर आउटपुट निकलता है और फिर आप उसको ऑडिट कर सकते हो। इसके अलावा प्रोग्राम कंपैरिजन टूल्स होते हैं, प्रोग्राम कंपैरिजन टूल्स सोर्स कोड को भी कंपेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड को भी करते हैं। हमने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। सोर्स कोड जो होता है हमारी लैंग्वेज में होता है, ऑब्जेक्ट कोड जो होगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में होगा। मतलब दोनों, हमने बताया था कि कंप्यूटर 0101 समझता है, हम जो है इंग्लिश टाइप लैंग्वेज समझते हैं। मैं आपको 01 बाइनरी की बात में बात करने लगूँ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंप्यूटर को बाइनरी ही समझ में आएगा, उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है वही समझ में आएगी। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या है, वो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस समझता है, चार्जेस समझता है, चार्ज है चार्ज नहीं है ये समझता है। तो उसी के बेसिस पर सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोग्रामिंग कंपैरिजन टूल्स होते हैं, वो देखते हैं कि कोई दो डिफरेंट वर्जन के प्रोग्राम तो हम काम नहीं कर रहे हैं। मालूम पड़ा आपने आज एक पर्टिकुलर प्रोग्राम डेवलप किया, साल भर बाद उसे अपडेट किया, तो अपडेटेड वर्जन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को कंपेयर कर लेते हैं। इसके बाद प्रोग्राम कोड एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोग्राम कोड एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, एनालिसिस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये क्या है कि प्रोग्राम कोड को देखते हैं, कोड का एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर कोड का एनालिसिस करना है तो प्रोग्राम कोड एनालिसिस टूल्स यूज़ कीजिए। तो इसमें प्रोग्राम कोड एनालिसिस टूल में पूरी प्रोग्राम आपके जो कोड्स हैं उसका एनालाइज किया जाता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक का एनालाइज किया जाता है। तो स्ट्रिक्टली कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक नहीं है ये, इसमें क्या है कि आपको हाई लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, आदमी जो है ये ऑटोमेटेड नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें टेक्निकल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर क्या है कि आपको डेटा भी चाहिए होता है कई बार कोराबरेट करने के लिए। उसके बाद ट्रेसर्स होते हैं, ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज़ कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ट्रेसर जो है ट्रेस करते हैं कंट्रोल ट्रेल्स को, ऑडिट ट्रेल्स को देखते हैं और उनके कंट्रोल्स को देखते हैं। अगर मान लिया सपोज कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो वो देखते हैं कौन कौन सी कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं कि नहीं है, उन ट्रेल्स को वो देखते हैं। तो एक प्री डिटरमाइंड या प्री आइडेंटिफाइड इनपुट डेटा होता है, या टेस्टर जो टेस्टर है या ऑडिटर है उसको ट्रेस करता है इंस्ट्रक्शंस को, वो ये देखता है कहाँ किस तरीके से डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो ये ट्रेसर्स होते हैं बेसिकली। ऐसा होता है कि जब आप आज की डेट में कहीं पर जो मैं नाम भूल रहा हूँ ब्रेन डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हो और अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ब्रेन का कैट स्कैन लिया जाता है। तो कैट स्कैन वगैरह जब लिया जाता है, ये सब हाई टेक्निक्स ली जाती है, तो आपके बॉडी के अंदर एक छोटा सा रेडियोएक्टिव, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इंड्यूस कर दिया जाता है। वो इतना रेडियो एक्टिव होता है, केवल इस लेवल तक रेडियो एक्टिव होता है कि आपको नुकसान ना पहुंचे। तो वो बॉडी के अंदर घूमता जाता है और आप ट्रेस करते चले जाते हो चीज़ों को।
आप देखते चले जाते हो कहीं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर मान लिया सपोज़ आपको पता पता चल जाता है, उससे ट्रेसर से पता चल जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ट्रेसर यही काम करते हैं, ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज़ यही काम करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम सिमुलेशन होता है, पैरेलल सिमुलेशन होता है। ये पैरेलल सिमुलेशन या प्रोग्राम सिमुलेशन में क्या होता है कि पैरेलल सिमुलेशन होती है, यानी कि मतलब ये है कि आपका एक नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, दूसरा प्रोग्राम उसी तरीके से चलाने की कोशिश की जाती है। और उसमें क्या है, उस प्रोग्राम सिमुलेट उस पहले वाले प्रोग्राम जो रियल प्रोग्राम है, जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है, जो रियल टैली, उसको सिमुलेट करने की कोशिश की जाती है। उसमें क्या होता है कि आप डेटा डालते हैं और डेटा उसी तरीके से सिमुलेट करके निकाला जाता है। तो यानी इसे पैरेलल रन भी कह सकते हैं, पैरेलल रन भी कह सकते हैं इसे। मतलब पैरेलल सिमुलेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। और एक जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति भी पैरेलल प्रोग्राम लिख सकता है बहुत कम एफर्ट लिए हुए। तो उसमें क्या होता है कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन उसके लिए क्राइटेरिया नहीं होती कि इतनी स्पीड है। उसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको ये देखना है। यानी कि डेटा डालना है और उसके बाद डेटा जब बाहर निकल के आएगा तो आपको देखना है कि सही तरीके से प्रोसेसिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो पैरेलल सिमुलेशन वहाँ यूज़फुल होती है जहाँ पर लाइव इन्वायरमेंट का एक्सेस नहीं होता है। मतलब एक तरह से ये ऑडिट ब्लैक बॉक्स अप्रोच है। अगर पैरेलल सिमुलेशन को देखा जाए तो ब्लैक बॉक्स अप्रोच है, आप रियल कंप्यूटर के अंदर नहीं देख रहे हो, रियल प्रोग्राम के अंदर नहीं देख रहे हो, प्रोडक्शन प्रोग्राम के अंदर नहीं देख रहे हो, लाइव प्रोग्राम के अंदर नहीं देख रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि इनपुट देख रहे हो और उस पर प्रोसेसिंग चेक प्रोसेसिंग कर रहे हो और आउटपुट देख रहे हो, फिर देख रहे हो सही आया कि नहीं आउटपुट, वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो कि प्रोडक्शन सिस्टम में आ रहा है। तो बेसिकली पैरेलल सिमुलेशन वहाँ यूज़फुल होता है जहाँ पर लाइव इन्वायरमेंट ऑडिटी को नहीं दिया जाता है। मालूम पड़ा आप लेकर एक कंपनी में गए और जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, उन्होंने कहा जी हम आप एक्सेस नहीं दे सकते, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है, अभी तक हम मोस्टली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे, हमारी स्टडी कहती है कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक सिस्टम टेस्टिंग के लिए भी यूज़ की जा सकती है, सिस्टम प्रोग्राम सिस्टम टेस्टिंग के लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने विंडोज़ ख़रीदा तो उसको या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ख़रीदा तो उसमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कॉपी कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, डिटेल्स प्रिंट करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के लिए, लॉग्स होते हैं, कई बार वो कंप्लायंस और सब्सटेंटिव टेस्टिंग के लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली यूज़ हो सकते हैं कंप्लायंस और सब्सटेंटिव टेस्टिंग के लिए। तो डेटा फाइल्स का जैसे वो कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर मान लिया सपोज आपको कोई इंट्रोगेशन करना है या तो उसके लिए डेटा फाइल्स की कॉपीज़ भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरनल फाइल लेवल्स को प्रिंट आउट कर सकते हैं जिससे कि ये पता चल सकता है कि सही फाइल आपने ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम एक तरह से कैट के रूप में काम कर सकते हैं। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS यूटिलिटीज़ हैं। तो ऑडिटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS की फीचर्स देख सकता है और उन फीचर्स को अंडरस्टैंड कर सकता है और यूटिलिटीज़ यूज़ कर सकता है, फिर उसके बाद ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए। कई आजकल क्या है कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं उसमें क्या हो रहा है कि ऑडिटर को स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स भी देखने पड़ेंगे, उसको ये देखना पड़ेगा कि आइटम सिंगल डेटाबेस से निकला है कि शेयर्ड डेटाबेस से निकला है। कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें लिमिटेड स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटीज़ होती है और ऑडिटर की ये चाहता है कि उसे एक्सटेंसिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करे, लेकिन उसके लिए उसे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, यूटिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो बेसिकली जो लिमिटेड स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटी के हैंडीकैप को ओवरकम करने के लिए वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करता है ऑडिटर का। और कई बार क्या होता है कि ऑडिटर क्या करता है, डंप निकाल लेता है, डंप निकाल के उसके बाद उसे ऑडिट करने लगता है। ऑडिट जब वो करने लगता है तो उसे दिखाई देने लगता है ऑटोमेटिकली, उसको सिस्टम को सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर में उसे दिखने लगता है। कहने का मतलब ये है कि उसे एक्सेल में वो ऑडिट कर सकता है, एक्सेल में वो डेटा देख सकता है, एक्सेल में वो डेटा को वेरीफाई कर सकता है। इसके अलावा हमारी स्टडी कंटिन्यूस ऑडिटिंग अप्रोच के बारे में बात करती। कंटिन्यूस ऑडिटिंग अप्रोच नया ट्रेंड है। कंटिन्यूस ऑडिटिंग अप्रोच ये है कि कंटिन्यूसली आपको ऑडिट
कर रहे हो। तो उसमें क्या है कि आपको कंटिन्यूसली सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। अगर मान लिया सपोज कोई चीज़ हो रही है, कोई रियल टाइम डिटेक्शन होना चाहिए कह सकते हैं। कंटिन्यूस ऑपरेटिंग ऑडिटिंग एक प्रोसेस है जिससे पर्टिकुलर सिस्टम को कंटिन्यूसली इवेल्युएट करता है, रियल टाइम बेसिस में करता है, और ऑडिट रिपोर्ट भी जनरेट रियल टाइम में बेसिस में हो जाती है। उसमें क्या होता है कि अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं हफ्ते भर में या महीने भर में ऑडिट रिपोर्ट जनरेट होती है, उसी टाइम आपको आप एक एनेक्सर भेज सकते हो, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट भेज सकते हो, एक शॉर्ट रिपोर्ट भेज सकते हो, समराइज रिपोर्ट भेज सकते हो। तो कंटिन्यूस ऑपरेटिंग अप्रोच वहां पर आती है जहां पर 24/7 मिशन क्रिटिकल सिस्टम होते हैं, मतलब वो क्रिटिकल सिस्टम होते हैं, वो डाउन नहीं होनी चाहिए। जैसे पर्टिकुलरली आपका बैंक्स हो सकते हैं, जैसे बैंक्स में जो आपका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो सकता है, वहां पर कंटिन्यूस ऑडिटिंग हो सकती है। तो कंटिन्यूस ऑडिटिंग में क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड एम्बेडेड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली डेवलप किए जाते हैं, और उसके बाद क्या है कि उस उन सॉफ्टवेयर्स को एम्बेडेड कर दिया जाता है सिस्टम, वो जो उस पर वो पर्टिकुलर सिस्टम या मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है या मिशन क्रिटिकल सिस्टम है उसमें एम्बेडेड कर दिया जाता है। उसके बाद रिपोर्ट आती रहती है रियल टाइम में, और अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पता चल जाती है। और कई बार क्या होता है कि इधर रियल टाइम में प्रॉब्लम का पता चला और उधर करेक्टिव एक्शन ट्रिगर हो गए, मतलब ट्रिगर्स होते हैं जो करेक्टिव एक्शन ट्रिगर कर लेते हैं, रिस्क कंट्रोल्स के बाहर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक छोटी सी एग्जांपल है स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में वहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो सिस्टम क्लोज हो जाता है। तो वहाँ पर मार्केट में फिल्टर्स लगे हुए हैं, मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा अगर इंडेक्स अगर एक लेवल से ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करने देते हैं। तो ये कंटिन्यूस ऑडिटिंग अप्रोच का फ़ायदा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रेडिशनल मेथड्स में कई बार क्या होता है कि जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह हैं, आपको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, टाइम गैप होता है ऑडिटिंग रिपोर्टिंग में, और इस बीच में क्या होगा कि मैनेजमेंट उस सब चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स आई उसको ठीक कर लेगा। लेकिन कंटिन्यूस जो ऑडिटिंग अप्रोच है उसमें इंस्टेंटली पता चल जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं पर कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और कंटिन्यूस ऑडिटिंग। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यानी CMS क्या करता है, मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है, मतलब सिस्टम डेटा टाइप्स प्रोसेस परफॉर्मेंस ये सारी चीज़ मॉनिटरिंग होती है। लेकिन इस टाइम पर ऑडिटिंग नहीं होती है, रिपोर्ट्स जनरेट नहीं होती हैं। CMS में रिपोर्ट्स जनरेट नहीं होती कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम्स में, कंटिन्यूस ऑडिटिंग में रिपोर्ट्स जनरेट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद एविडेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करने में आपको एविडेंस होना चाहिए। CMS में जरूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट एविडेंस जनरेट हो, उस एविडेंस को उतना रिलायबल ना माना जाए, ये हो सकता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में जो भी हो रहा है उसके लॉग्स बन रहे हैं, कंटिन्यूस लॉग्स बन रहे हैं, तो उसमें रिलायबल एविडेंस क्रिएट हो रहा है। या पर्टिकुलर ब्रोकर है, उसके पास एक हर ट्रांजेक्शन का, लेकिन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में क्या होता है कि आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, चीज़ें मूव कर रही होती हैं, और जहाँ पर और मॉनिटर होके आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो, लेकिन रिपोर्ट जनरेट करना एविडेंस करना ये आपका काम नहीं होता। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो होती है वो ऑपरेटिंग बंदा करता है, यानी आप जो आपकी कंपनी के अंदर काम करने वाला आदमी है वो कंप्यूटर मॉनिटरिंग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम्स का यूज़ करेगा, कंटिन्यूस ऑडिटिंग का सिस्टम ऑडिटर यूज़ करेगा। अब फीजिबिलिटी क्या है कंटिन्यूस ऑडिटिंग की, कंटिन्यूस ऑडिटिंग जनरली पॉपुलर नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि उसके लिए आपको कंटिन्यूस ऑडिटिंग टूल चाहिए होते हैं, और ये कई बार क्या होता है कि क्योंकि आप सॉफ्टवेयर्स कर रहे हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इंटेग्रिटी में क्वेश्चन आ सकता है, इंटेग्रिटी में क्वेश्चन इसलिए आ सकता है कि एक एडिशनल सॉफ्टवेयर काम कर रहा है और वो एडिशनल सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली ऑडिट कर रहा है, एक लाइव इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली ऑडिट कर रहा है।
और कई बार क्या होता है कि कंटिन्यूस ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंट रिसोर्स यूज़ करते हैं, मतलब आपका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कॉन्स्टेंटली चल रहा है और वो ऑडिटिंग कर रहा है, कॉन्स्टेंट ऑडिटिंग कर रहा है, कॉन्स्टेंट प्रूफ जनरेट कर रहा है, कॉन्स्टेंट एविडेंस जनरेट कर रहा है, तो उससे क्या है सिस्टम के फंक्शंस में इम्पैक्ट फील आउट होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे 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 सिस्टम पावरफुल होते जा रहे हैं, कंप्यूटर की मेमोरी पावरफुल होती जा रही है, कंप्यूटर के सीपीयूज पावरफुल होते जा रहे हैं, वो समय दूर नहीं कि कंटिन्यूस ऑन टाइम ऑनलाइन कंटिन्यूस ऑडिटिंग हो सकेगी। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है जो इस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ऑब्वियसली कंटिन्यूस ऑडिटिंग करोगे तो उसमें कंटिन्यूसली सॉफ्टवेयर को रन करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आपके पास डेटा आएगा, कंटिन्यूसली आपके पास ट्रिगर्स आएंगे, तो वहाँ वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे कॉस्ट देखनी पड़ेगी वर्सेस बेनिफिट देखना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है लेकिन बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और उसमें क्या है कि कंटिन्यूस ऑडिटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत होती है और कंटिन्यूस ऑडिटिंग सिस्टम्स ये एश्योर करते हैं कि वो हाई बिजनेस रिस्क में जहाँ एरर या क्राइम बहुत ज़्यादा है तो टाइमली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं कह सकते हो बाद में करेंगे, वहाँ टाइमली डिटेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।